तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के सर्वाइवर सीरीज़ में। और आते आते ही रात होने लगी, तो पिछले वीडियो में हमने ये एक चेस्ट रूम बनाया, तो देखिए यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है। और उसके भी पहले हमने वो नेदर का हाउस बनाया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि क्रीपर फार्म बनाओ, क्रीपर फार्म बनाओ। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं क्रीपर फार्म लेके आया हूँ, और वो भी हम सर्वाइवल सीरीज़ में बनाएंगे, फुल सर्वाइवल में। और आप लोग सीख सकते हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिव में मैं आपको ट्यूटोरियल देता तो वो तो क्रिएटिव है, इसलिए मैं आराम से बना लेता। तो मैं फुल सर्वाइवल में बनाऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए मैं वीडियो को फटाफट से शुरू कर देता हूँ। तो बहुत दिन से मैं सो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैंटम चाहिए। और फैंटम से क्या होता है कि फैंटम मेमोरी मिलेगा, तो मैं स्लो फॉलिंग का पोर्शन बनाऊंगा। मेरा मतलब मैंने प्लान किया है एंडर ड्रैगन से मैं तो फाइट करूँ, तो स्लो फॉलिंग का पोर्शन तो चाहिए ही होगा ना। तो इसलिए मैंने ना अभी तक मेरे को दो फैंटम मेमोरी मिले हैं। और मैं थोड़ा सा नेदर में गया था ब्लेज रॉड कलेक्ट करने, और थोड़ा सा माइनिंग भी किया था। तो मेरे को क्या क्या मिला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे सोना है नहीं। तो देखिए मैं ना यहाँ से मतलब माइनिंग करके मैं 9 एंशिएंट डेब्रिस लेके आया हूँ, और ये क्या पिकेक्स है। और आपके मतलब मेरे इन्वेंटरी में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, तो आप सोचोगे ये क्या है। तो ये हमारा क्रीपर फार्म बनाने की तैयारी है, हम काफ़ी एडवांस क्रीपर फार्म बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एंशिएंट डेब्रिस, इसको स्मेल्ट होने में लगाते हैं। और इससे ना मैं अपने ये एक्स को और एक शवल है, इनको भी मैं कन्वर्ट कर लूँगा। इसमें फॉर्चून 2 है, मेंडिंग है, अनब्रेकिंग 3 है, इफिशेंसी। और इसमें क्या है, इसमें इफिशेंसी है, मेंडिंग है, ये है। तो मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, मैं ये वाले शवल में लगाने वाला हूँ। तो मैं देखिए मेरे पास काफ़ी सारे आयन है, मैं अपने आयन फार्म में गया था वहाँ से लाने के लिए। तो चलिए इस नेदरराइट स्क्रैप से फटाफट से मैं बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं, इनगेट बनाता हूँ। और इनगेट अपने ये क्या बोलते हैं यार, एक्स और शवल में लगाता हूँ। तो ये हो गए 3। ओके, मेरे पास तो कुछ स्पेस नहीं है यार, क्या करूँ, मेरे को स्पेस खाली करना पड़ेगा अपना। तो क्या करूँ यार, एक मिनट इसको फेंक देता हूँ, इसको फेंको यार, ये मैंने क्या फेंक दिया। ओके सही है, चलो। तो यहाँ से मैं थोड़े से गोल्ड लेता हूँ, और ये आयन को रख देता हूँ, आयन की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, आधा गोल्ड। और यहाँ से एक इनगेट बनेगा, तो ये इनगेट बन चुका है। और इसको मैं ले जाऊँगा इसके अंदर, और मेरे एक्स इधर है, और ये रहा इनगेट। तो देखिए काफ़ी सही बन के आ गई, अटैक डैमेज भी इसकी बढ़ गई। और भी इसमें से बच्चे कुछ निकाल लेता हूँ, दो ये 3 हैं, एक और चाहिए। तो एक मिनट, मेरे पास एक पड़ा है ना, ओके पड़ा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं तो इससे मैं बना लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने ना ऑफलाइन बहुत सारे काम किए, क्योंकि हमें क्रीपर फार्म भी बनाना है और एंडर ड्रैगन से फाइट भी करना है। तो मैं गया था सिर्फ छोटी मोटी माइनिंग करने, लेकिन मैं वहाँ से कुछ ज़्यादा ही माइन करके आ गया। तो ये लास्ट एक स्क्रैप, लास्ट दो स्क्रैप लगा लेते हैं। अब है ना, हमने अपने सारे टूल नेदरराइट के बना लिए है, तो अब हमको और नेदर इनगेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब एंशिएंट डेब्रिस की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रखता हूँ, और ये शवल को भी यहाँ पे रखता हूँ। मतलब ये सब तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अंडर ड्रैगन से फाइट में काम आएगा। तो देखता हूँ, ओके सारा काम हो चुका है ना। तो चलिए मैं आपको वो पोजिशन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं फार्म बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से चलते मैं है ना वहाँ पर बनाऊँगा, जहाँ पर मैंने फ़िश फार्म बनाया है, मॉब फार्म बनाया है, वहीं भी बनाऊंगा। क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी फार्म बनाना चाहते हो मॉब का, तो आप उसको ज़मीन पे मत बनाना पॉकेट एडिशन में, उसको पानी के ऊपर बनाना, क्योंकि पानी पे है ना उसका स्पॉन का पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं पानी के ऊपर। ज़मीन पर तो क्या, इधर उधर बहुत सारा एरिया होता है, नीचे केओस होते हैं ना, इसलिए वो उसमें स्पॉन हो जाते हैं। तो देखिए मैंने वो एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो चलिए पहले है ना मैं इधर चलता हूँ, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्पॉन रेट कितना है। देखिए वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में उधर बहुत सारे मॉब्स आ जाएंगे। मैं ऊपर चलता हूँ फटाफट से, और मुझे ना यहाँ, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तोड़ क्यों दिया मैंने। ओके देखिए यहाँ पे है ना मुझे ये पावर मिल गया, क्योंकि ये देख सकते हो कहाँ गए यार। तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ओके ये रहा नीचे ये मेरे। तो मैं ना पिछले मॉन्यूमेंट जहाँ पर मैंने कॉन्करर किया था ना, तो मैं वहाँ पर गया था इसको लाने, क्योंकि मुझे नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर अंडर वाटर बेस भी बनाना है ना, तो मुझे बहुत सारे वाटर ब्रीथिंग का पोर्शन वेस्ट करने पड़ते, इसलिए है ना मैं ये लेके आया। अरे यार ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है, एक मिनट मेरी कोई गलती होगी, मैं इधर उधर हिल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत फोकस मेरा जा रहा है, इसलिए मैं गिर गया। चलो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ, और इधर देखना अभी मैं दिखाता हूँ। अरे ऊपर चढ़, देखिए एक क्रीपर आ भी गया। तो देख सकते हो इसका मतलब ये एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है कोई भी फार्म बनाने के लिए। देखिए एक क्रीपर आ गया,
और मुझे ना फैंटम का वेट है, मुझे फैंटम एम्बुलेंस चाहिए। अभी तक मेरे पास दो ही है, देखता दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसके अंदर मेरे पास दो है, मैंने यहीं पर मारा था उनको और ऊपर कोई स्पॉन हुआ नहीं है। स्पॉन हो जाए तो अच्छी बात है। तो है ना अगले दिन मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, तो दिखाता हूँ मॉब स्पॉन हो रहे। ओके देखिए स्पॉन हो रहे, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म एकदम मस्त है। तो है ना मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ जब दिन हो जाता है, क्योंकि रात में तो मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ नहीं, तो थोड़े देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ। Few inches later. तो दोस्तों फाइनली डे हो गया, लेकिन बारिश है ना इसलिए पता नहीं चला, लेकिन देख सकते हो मुझे ना ये कॉन्ड्रोइट की पावर मिली हुई है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। तो चलिए मैं इधर देखिए कितने मॉब स्पॉन हुए, मैंने सबको मारा और ये विच भी स्पॉन हुई थी, लेकिन छोड़ो विच को क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मैं इधर से बनाना स्टार्ट करता हूँ, मैंने कुछ डिज़ाइन सोचे हुए हैं। तो पहले ये सब को उठा लेता हूँ यहाँ से, जो भी मिलता है स्ट्रिंग को फेंको इधर। सिर्फ गन पाउडर चाहिए, मैं गन पाउडर का फार्म इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम एंडर ड्रैगन से फाइट करेंगे तो इलाइट्रा मिलेगी, इलाइट्रा मिलेगी तो उड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए इधर से बनाता हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ ये सेंटर होगा शायद। तो मैं ना यहाँ से ना आई गेस ये एरिया एकदम सही है। यहाँ पे आपको कोई कहीं भी एक पत्थर रखना है, फिर वहाँ से 1 2 3 छोड़ना है और ये चौथे पे पत्थर रखना है। फिर यहाँ से एक मिनट सब बराबर है ना, ओके 1 ये 2 और ये यहाँ से एक मिनट देखने तो कितना है, ये 1 2 3 ये 4 हो गया ना, ओके। फिर इसको इस तरीके से, अरे यार ये डबल हो गया, कोई बात नहीं इसको मैं तोड़ देता हूँ। मेरी पिकेक्स भी फास्ट हो गई है, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और याद रखना और कोई भी एरिया नहीं होना चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए और बाकी आसपास ज़मीन नहीं होना चाहिए अगर आप पानी पे बना रहे तो। ये देखने तो मैं पहले देखूँ 1 2 3 ये चौथा, ओके चलो तो ये हो चुका है ना, ये 1 2 3 और ये चौथा, ये 1 2 3 और ये चौथा, चलो हो चुका है। और मैं ना ये बहुत ही बड़ा बनाने वाला हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना, ओके यहाँ पर फिर ये 1 2 3 फिर 1 2 3 तो ये हो चुका है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये कैसे मतलब कैसा वर्क करता है और कैसे बनता है। तो पहले मैं ये एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर यहाँ से 1 2 3 फिर 1 2 ये लाइक टेक्नो गेमर ने बनाया ना वैसा ही है, लेकिन ये उससे भी बड़ा वाला है। तो देख सकते हो इसमें चारों डायरेक्शन में आता है। तो ये है ना देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक ऐसे 3 का एक एरिया छोड़ना है और उसके बाद यहाँ से 1 ब्लॉक रखना है, 2 रखना है और 3 रखना है, फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके ना एक स्ट्रक्चर बनेगा और इस साइड का भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं चारों डायरेक्शन में एक स्ट्रक्चर बना लूँगा। फिर एक बाड़ी है 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एक, फिर देखने दो यहीं पर ना, ओके यहीं पर फिर से 1 2 3 हो चुका है, फिर यहाँ से 1 ये वो ज़्यादा हो गया, तो चलिए हो चुका है 2 ये 3 तो ये 1 2 3 4 हो गया, 4 हो चुका है। फिर यहाँ पे एक और इसके अंदर कैट ला के भी रखना पड़ेगा, कैट लाओगे मतलब कैट रखेंगे ना तो क्रीपर उससे डरेगा और क्रीपर डरेगा ना तो वो भाग के डायरेक्ट किलिंग चैम्बर तक पहुँच जाएगा। तो कैट के बिना ये फार्म एकदम अधूरा, ये बन ही नहीं सकता। तो चलो इस साइड का भी हो गया, अब हमको इधर का रखना है, ये 1 ये 2 ये अरे ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास और है, चलो कोई बात नहीं, ये हो चुका है वहाँ पे। फिर यहाँ से भी ये 1 ये 2 ये 3 फिर यहाँ से इसको बंद कर देना है, तो ये लास्ट बंद हो जा, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। तो देख सके ये कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ से, ये हर एक डायरेक्शन से इक्वली होगा और आपको ये बीच के 9 तोड़ने होंगे नीचे 9 हॉपर लगाने के लिए। तो चलिए फिर इसको मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ। एक सेंटर यहाँ पे है, देख लेता हूँ, ओके ये रहा सेंटर। तो यहाँ पे एक कारपेट आएगा, कारपेट लगाने का रीज़न ये है कि इसमें स्पाइडर स्पॉन नहीं हो गए, पर स्पाइडर स्पॉन हो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हो चुका है, अभी ना इसमें बहुत सारे हमको ट्रैप डोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रैप डोर भी हम बनाएंगे, लेकिन है ना फिलहाल एक काम करता हूँ यहाँ पर ना ये 2 चेस्ट रखता हूँ, और सॉरी चेस्ट क्या, इसके अंदर मैं अभी सामान रख देता हूँ, मुझे बाकी के काम के चीज़ें भी लाना है और बहुत सारा वर्क भी बचा है। तो इसको मैं फटाफट लेता हूँ और गन पाउडर को भी रख देता हूँ, हॉपर रख देता हूँ, जो भी काम के चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ हो गए उसको रख देता हूँ। तो चलिए और इसको है ना आपको है ना इसको डबल लेयर का कर लेना है। तो देखिए मतलब सबके ऊपर एक एक लेयर वापस से लगा देना है कुछ इस तरीके से सबके ऊपर। तो ये लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली मैंने इसकी डबल लेयर कर दी और देखने में अच्छा लग रहा है। और अब बारी आती है ट्रैप डोर की। तो ट्रैप डोर इसमें इस तरीके से एक सेंटर में रखना होता है, तो हर एक सेंटर में रखना पड़ेगा। वहाँ पे ना आपकी कैट आती है, कैट रखना पड़ता है। तो चलिए मैं फटाफट से रखता हूँ सेंटर में। और इसके ना ऊपर इस तरीके से लेयर भी बनाना है इसका ट्रैप डोर का, क्योंकि है ना क्रीपर थोड़े से छोटे होते हैं ना, तो अगर आप स्लैब लगाओगे तो वो स्पॉन नहीं होगा। आपको ट्रैप डोर लगाना होगा तो वो आराम से स्पॉन हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी ऊपर लग गया है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको है ना इसको थोड़ा सा है ना नीचे करके लगाना होगा, जिससे आपकी कैट बैठे। और उसके बाद एक मिनट यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, लग चुका है। ये चारों डायरेक्शन में है ना यहाँ पे कैट बैठेगी आपकी। फिर आपको है ना इस तरीके से ऊपर वाले लाइन पे ऐसे करके क्राउच होके आपको है ना ये ट्रैप डोर लगा देना। इससे क्या, One eternity later. तो दोस्तों देखिए मैंने है ना इसको कवर कर दिया, और ये बीच का खुला रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर स्लैब भी आ सकता है, तो इसके ऊपर मैं स्लैब लगा दूंगा जिससे कि उसके ऊपर कोई स्पॉन ना हो। तो उससे पहले ना हमको नीचे थोड़े से कारपेट लगाने पड़ेंगे, ये दिखाने के लिए मतलब वहाँ पे कोई वो स्पाइडर स्पॉन ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले किलिंग चैम्बर बनाते, तो इसको है ना मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो ओके, और यहाँ पे ना मुझे ये लगाना पड़ेगा, ये एक तो क्रीपर को लगे कि ये ब्लॉक है और वो चल के इसके ऊपर आए, इसीलिए मुझे ये लगाना पड़ेगा। इसको खोल देता हूँ मैं, और एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, कहाँ गए ट्रैप डोर। ओके, एक ये रहा, इसको भी खोल दो। और इसके अंदर है ना मेरे अभी इम्पोर्टेंट सामान है ना, तो इसलिए मैं इसको तोड़ने वाला हूँ नहीं अभी, बाद में मैं इसको, अरे यार नीचे लग गया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्राउच हो जाता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, और अब लगाता हूँ मैं। ओके, लग चुका, खोल देता हूँ इसको अभी मैं। तो क्या है कि इसको हमको खोलना पड़ेगा, और खाली है ना एक यहाँ पे लगाना है, इसको मैं बाद में लगाऊंगा, अभी है ना मैं बना रहा हूँ इसलिए नहीं लगा सकता। तो चलिए अब नीचे से काम कर लेते हैं। तो आई गेस कौन सा ब्लॉक यूज़ करूँ, तो मैं है ना ये वाला यूज़ करता हूँ। मैं ग्लासेस यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि अगर क्रीपर फटा तो फिर गया काम से, और यहाँ से मेरे को एबिलिटी भी पावर भी मिलेगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं करना हमको, तीन ब्लॉक नीचे लाना है यहाँ से। तो ये तीन का बना लेना, ऊपर मुझे कैट ला के भी रखनी पड़ेगी। ओके, ये थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा अभी। तो एक यहाँ पे और आसपास में थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज़ होगी ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। यहाँ पे कुछ बेचने वाला आया है, पता नहीं क्या बेच रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर चल लेता हूँ अब यहाँ से। तो यह हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद इसको तोड़ देना जो जो गलत लगा है। तो क्या गलत लगा है, ओके ये ब्लॉक गलत लगा है, ये भी गलत लगा है, इसको भी, अरे यार टूट जा। ओके, ये हो चुका है। तो और कोई, ओके ये गलत लगा है, इसके ऊपर पहले खड़े हो जाता हूँ मैं। तो इसको भी तोड़ देते हैं। ओके, तो सब हो चुके, खाली है ना एक यहाँ पर लगाना है हमको, ये लग चुका है। ओके, चलिए हमारी क्लिंग चैम्बर बन चुका है। अब है ना खाली ये साइड थोड़ा सा कवर कर देना यहाँ पे, तो थोड़ा पानी के नीचे थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। अरे हट भाई, हट हट हट, तलवार किधर मेरी, ले ले चल मर जा, तेरा मरना ही नसीब में है, चल। ओके चलो हो चुका है। अब मुझे ना यहाँ पे हॉपर लगाना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट से हॉपर लगाते हैं। हॉपर से पहले चेस्ट लगाना पड़ेगा, तो चेस्ट मैंने शायद इसके अंदर रखा है। तो ये रहा मेरा चेस्ट, ये मेरा हॉपर, चलो हो चुका है। और मैं कहाँ पे लगाऊँ चेस्ट, चेस्ट में लगाता हूँ आई गेस मुझे चेस्ट यहाँ पे लगाना चाहिए। कहाँ पे लगाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, चलो मैं चेस्ट को यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा इधर बाहर के साइड लाके। ओके, इसमें तो क्राउच भी नहीं कर सकता ना मैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो मुझे ना यहाँ पे एक ब्लॉक रख के खड़े होना पड़ेगा, तो इसके ऊपर खड़े हो जाता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे ना इसको तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे ये लगा दूँ, एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कैसे लगाऊँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं, मैं है ना यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अरे लग जा, नीचे थोड़ा हो जाओ, लग जा। ओके लग चुका है, कोई भी डायरेक्शन में लगना है लग जा। और है ना अब ना यहाँ पे मुझे क्राउच हो जाना है। ओके, मैं पानी में क्राउच भी नहीं हो सकता, सही बात, यहाँ पे हो सकता हो क्राउच। ओके, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो मुझे थोड़ा और ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्राउच हो सकता हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम है ना, पानी के नीचे हम क्राउच भी नहीं हो सकते। तो एक ब्लॉक यहाँ पे लगा के इस पे आना है, और इसको तोड़ दे। ओके, नाइट हो रही है ना, तो अंधेरा हो चुका है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लाइट अप करते इसको।
ओके अभी है ना चेस्ट यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ जितने भी मैं ये लगा सकूँ। अभी ये लगाना है और यहाँ पे कैट ला के रखना है मुझे। ये लग ओके नहीं लग रहा है, तो ये सब लगाता हूँ फिर मैं कैट भी लेके आता हूँ। One eternity later. तो दोस्तों फाइनली मैंने इसके ऊपर स्लैब लगा दिया, बस यहाँ पे लगाना बाकी, इसमें भी मैं बाद में लगा दूंगा। अब बस मुझे ना यहाँ पे कैट ला के बिठाने, तो मैं ना चारों चारों में कैट ला के बिठा देता हूँ फिर मैं उसके बाद मिलता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने देखिए किलिंग चैम्बर भी बना लिया है, तो यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं फायर कैंप रखा है जिससे वो लोग उनको डैमेज होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बेकार का एक स्पेस है ना जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको मुझे तोड़ना होगा नहीं तो बाहर स्पॉन होएंगे, तो वो सब कर देता हूँ, कैट को बिठा देता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ फार्म कैसा वर्क करता है। Few inches later. तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखता है दूर से, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा मैंने इसमें कैट ला के उसको वापस से बंद कर दिया। और ये जो आजू बाजू के थे उसको मैंने फटाफट से तोड़ दिए। और नीचे चल कर दिखाता हूँ तो ये उसका कलेक्टिंग एरिया है जो मैंने बहुत नीचे बनाया पानी के नीचे। तो एक मिनट नीचे चलता हूँ, तो इसमें साथ अभी भी गन पाउडर है, यानी समझ जाओ कि ये फार्म वर्क कर रहा है। और अभी तो डे टाइम है, तो डे में भी स्पॉन होगा लेकिन थोड़े ऐसे टाइम लेगा। तो आज के वीडियो ये बनाते बनाते मैं थक गया, बहुत मुश्किल था लेकिन फाइनली बना दिया। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। और मेरे पास 5 फैंटम मेमोरियन है, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही एंडर ड्रैगन से फाइट करने चला जाऊँगा। तो आप क्या चाहते हो कमेंट में लिख देना, तो बहुत मेहनत लगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।